माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको आपके बॉस ने कहा या आपके जो भी बॉस हैं उन्होंने कहा कि केवल इतने का हमें प्रिंट निकाल के दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इतना सेलेक्ट करेंगे और यहां से जाएंगे फाइल पर और यहां से इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये तो पूरा ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि शायद फिर से कर लेता हूं, तो यहां से इस तरीके से सेलेक्ट किया फिर और फिर यहां से गए प्रिंट किया तो आप देखेंगे फिर से पूरा प्रिंट आ रहा है। तो प्रिंट तो हमें पूरा नहीं करना है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए जितना भी पार्ट आपको प्रिंट करना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। और अब आपको जाना है पेज लेआउट टैब पर और पेज लेआउट टैब पर जाकर के ये दिया हुआ है प्रिंट एरिया, यहां पर जाइए और सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। अब जब आप प्रिंट निकालेंगे तो सिर्फ सेलेक्टेड एरिया का ही प्रिंट निकलेगा। तो यहां से चलते हैं, आप एक बार देखते हैं, चेक किया जाए कि क्या हो रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं केवल उतने ही एरिया का प्रिंट आउट आ रहा है, देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतने ही एरिया का पीडीएफ भी निकालना है, तो इतने एरिया का पीडीएफ हमने सेट प्रिंट एरिया तो कर दिया है, तो क्या ये पीडीएफ निकलेगा इतने ही एरिया का? आइए देखते हैं। यहां फाइल पर चलते हैं और यहां पर क्या करेंगे, इसको पहले सेव करेंगे। तो यहां से सेव पे गए, यहां से डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूं मैं इसे, और यहां से नीचे आएंगे और इसे एज अ पीडीएफ सेव कर लेंगे। ये देखिए, ये इसे मैं एज अ पीडीएफ सेव कर रहा हूं और डेस्कटॉप पे कर रहा हूं। यहां पे देख सकते हैं ये डेस्कटॉप पे आए, देखते हैं उतना ही एरिया केवल ये सेव होता है या नहीं, कि उससे ज्यादा जो है सेव हो जाता है। तो यहां पे देख सकते हैं जितना मैंने किया सिर्फ उतना ही का पीडीएफ प्रिंट हुआ है, बाकी का जो डाटा है वो हट गया है इसमें से। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सेट प्रिंट एरिया का यूज करना होगा हर बार, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके।